नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रकार से देख लीजिए, ये है लता कस्तूरी और इसे जंगली भिंडी के नाम से भी कई जगह जाना जाता है, क्योंकि ये जंगली भिंडी की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इसे जंगली भिंडी के नाम से जानते हैं। तो ये भारत के समस्त उष्ण कटिबंधी जो प्रदेश है वहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, लता कस्तूरी का प्रयोग बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने अपनी किताब में बताया, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में इसका वर्णन मिलते हैं। तो उसी के आधार पर आज मैं आप लोगों को इसका प्रयोग विधि सिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार के पेड़ पौधा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अमूल्य होते हैं, और दोस्तों इस प्रकार के पेड़ पौधे को हमें संरक्षित करके रखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, आयुर्वेदिक गुणों को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आती रहती है, आप सभी को आयुर्वेद की जानकारी सिखाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि कोई भी जानकारी होती है, चाहे आयुर्वेदिक जानकारी हो, चाहे कोई भी अच्छी यूजफुल जो जानकारी होती है, हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं। तो यह उपचार आप स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, जनहित कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लता कस्तूरी है, कंठ विकार में, खांसी में, प्रमेह है, शुक्र में है, या बुखार की बीमारी है, इसे ठीक करने का सबसे रामबाण अचूक दवा है। खांसी से आराम पाने के लिए अगर लता कस्तूरी के पंचांग को पीस करके छाती पर लेप किया जाए तो खांसी जल्दी से ठीक हो जाते हैं। प्रमेह रोग है या शुक्रमेह रोग है, जिसमें अगर मूत्र करने के साथ कहा जाए धातु निकल जाता है, या कई लोगों में धातु की पुष्टि करना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा, लता कस्तूरी के बीज के चूर्ण का सेवन करें, या इसके इसका जो प्रयोग करने से, इसके सेवन करने से शुक्रमेह में काफ़ी लाभ मिलते हैं। गरार करने से गले के रोग ठीक हो जाते हैं। और भी इसका एक फ़ायदा है, जैसे कि अगर किसी को बुखार आ रहे हैं, जब जंगली इलाके में है, कोई दवा ना मिले, तो लता कस्तूरी के ताज़े पत्ते का रस को पिला देने से जो ज्वर होते हैं, बुखार होते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। इसके फल, बीज, पत्ते, मूल, मतलब इसके जो जड़ है, फल, बीज, पत्ते और इसके जड़, इसके पंचांग का प्रयोग आप ज्वर उतारने के लिए कर सकते हैं, इसमें काफ़ी आराम मिलते हैं। लता कस्तूरी का मात्रा, इसके पत्र का मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर तक ही करना चाहिए, चिकित्सा के परामर्शानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। तो यह थे इसके छोटे से जानकारी, आज की जानकारी बहुत ही छोटी सी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।